तीन तारीख तक तेरी है, तीन तारीख के बाद नरेश मीणा है। इस 12 में 3 तारीख तक रह लेना जिला कलेक्टर, जो अशोक गुप्ता है ये छोटे मोटे अधिकारियों से नहीं, जिला कलेक्टर तुझे देखूंगा 3 तारीख को कि तेरे में कितनी दम है, तेरे प्रशासन में कितनी दम है। जिला कलेक्टर ये एसडीएम वेस्टीएम कुछ नहीं है, मैं तेरी औकात देखूंगा, तेरी दम देखूंगा, तो कितनी प्रमोद जैन भाई की गुलामी कर रहा है। अब तो छोड़ दे, अब तो आचार संहिता लग रही है, आदर्श आचार संहिता का जब हम पालन कर रहे हैं उसके बावजूद भी जिला कलेक्टर तो अपनी जाति के एमएलए बनवाने के चक्कर में, अपने जाति के लोगों को जितवाने के चक्कर में, प्रताप सिंह सिंघवी को, प्रमोद जैन भाई को जितवाने के चक्कर में अभी भी इस तरह की हरकतें कर रहा है। मैं कह देना चाहता हूँ जिला कलेक्टर, अभी भी सुन ले कान खोल के, 3 तारीख को अगर नरेश मीणा चुनाव जीत जाए तो बोरी बिस्तर भाग लेके यहाँ से रवाना हो जाना, नहीं तो ना तो मिलिट्री बचा पाएगी, ना राजस्थान की कोई एजेंसी बचा पाएगी, ना राजस्थान की कोई पुलिस फोर्स बचा पाएगी। उस दिन या तो जिला कलेक्टर रहेगा या नरेश मीणा रहेगा, ये कह देना चाहता हूँ। और जिस तरह से कितने लोगों को गिरफ्तार करोगे।